जबलपुर के केंट थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा पलट गया, जिसमें उसमें बैठे लोगों को चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो रिक्शा काफी तेज रफ्तार से आ रहा था कि तभी अचानक एक बाइक सवार ऑटो के सामने आ गया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ऑटो नाली में जाकर पलट गया, जिससे उसमें सवार लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से एक महिला बुरी तरह घायल हुई है। क्षेत्रीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। बाइक वाला निकल गया था। कितनी स्पीड में था क्या ऑटो वाला? नहीं, स्पीड नहीं था, सही था ऑटो, मगर वो बाइक आ गई अचानक से, हमने देखा इसने ऐसे कट कर दिया। नहीं, तो इस साइड सिर कर दिया, नहीं देख पाए, लेकिन गाड़ी वाला आया कि नहीं, लेकिन एकदम से धचका सा लगा तो पकड़ लिया हम लोग लेडीज होकर, मुंडी में ला के घेर दिया, जब पैर पूरी लेडीज ने मेरे पैर दिया। और इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने भी ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सरकार के द्वारा दिव्यांगों को सुविधाएं देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन शासकीय विभागों की लापरवाही की वजह से दिव्यांगों को योजना का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाता है, जिससे दिव्यांगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी जो है एक साल पहले क्या है, डेफ और ब्लाइंड लोगों को जो है तो लैपटॉप दिया गया था, लेकिन इस साल जो है तो मूक बधिरों का नाम, श्रवण बाधितों का नाम जो है तो हटा दिया गया है। इसलिए हम ये आवेदन दिए हैं कि जल्द से जल्द इस विषय पे कार्रवाई। किनसे मिले आप आज? आज हम मतलब कलेक्टर महोदय से हम मिल के अभी आ रहे हैं और उनको आवेदन दे गए। अभी हमारा आंसर अभी मतलब फाइनल उन्होंने बताया नहीं है, अभी आवेदन दे दिया है, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI के दिव्यांग विद्यार्थी भी इन दिनों परेशानी का सामना कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे इन दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लैपटॉप देने का प्रावधान है, लेकिन इन दिव्यांग विद्यार्थियों को लैपटॉप नहीं मिल पा रहा है। विद्यार्थियों ने बताया कि सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा दिव्यांग विद्यार्थियों का नाम योजना में शामिल नहीं किया गया, जिससे लैपटॉप आवंटित नहीं हो रहा है। परेशान दिव्यांग विद्यार्थियों ने कलेक्टर छवि भारद्वाज को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने दिव्यांगों की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। प्रदेश सरकार के लाख दावों के बावजूद फसलों की खरीद केंद्रों में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, जिससे किसान परेशान हैं। शैपुरा बिटौनी क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इन किसानों का आरोप है कि सरकार के द्वारा किसानों की फसल खरीदने के लिए SMS के माध्यम से सूचना दी जाती है, लेकिन ये SMS उसी दिन भेजे जाते हैं जिस दिन खरीदी की जाती है। शैपुरा बिटौनी से आए हैं ग्रामीण के किसान लोग हैं हम लोग, कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। हम लोगों की समस्याएं ये हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में जो चना की खरीद और मसूर की खरीद की जा रही है, उसमें जो व्यवस्था इनने बनाई है, उस व्यवस्था में किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इन लोगों ने के मोबाइल से हम SMS भेजेंगे, जब किसान माल लाए तो जो उसी दिन सूचना देते हैं कि आज सूचना दी, आज ही माल लाए, तो किसान तो उस दिन तत्काल में वाहन साधन के वजह से माल नहीं ला सकता। दूसरी बात यह है, जो वहाँ तुलाई चल रही है वो 15 रुपये प्रति बोरी 50 किले की, वो किसान की तुलाई लग रही है, किसान ही उतरवाता है माल, किसान ही तुलवाता है, ये सब पैसा किसान का लग रहा है। और वहाँ कच्ची पर्ची दी जा रही, देखो किसान आपको हम बता रहे बिक्री प्रमाण पत्र पक्का मिलना चाहिए ना, इसमें क्या आज है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से समस्त किसान मिलने आए थे। क्या कच्ची पर्ची आपको दे करके? कच्ची पर्ची दी जा रही है, जबकि हम लोगों को मतलब बिक्री प्रमाण पत्र मंडी द्वारा पक्का मिलना चाहिए कितना अनाज हम लोग लाए हैं। और तुलाई मध्य प्रदेश सरकार बोल रही कि हम लोग देते हैं, मगर किसान से नहीं जा रही। नाम बता भैया अपना। परमलाल अहिवासी सुनाचा। ऐसे में फसल लेकर तुरंत खरीद केंद्र पहुँचना संभव नहीं हो रहा है। इसके साथ ही खरीद केंद्रों में तौल के भी पैसे वसूले जा रहे हैं।
किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदेश शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा और खरीद केंद्रों में हो रही अनियमितताओं को रोकने की मांग की है।